भारत इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना का असर खेल जगत पर भी पड़ रहा है। BCCI ने IPL 2021 को अगला ऑर्डर आने तक स्थगित कर दिया है। इस बड़ी लीग में अलग अलग टीमों के कई खिलाड़ी महामारी से संक्रमित हुए हैं। आइए एक नज़र उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जो अब तक IPL में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा। सनराइज हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं KKR के भी दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर, ये भी KKR के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। CSK खेमे में भी कोरोना संक्रमित पाए गए। CSK के काशी विश्वनाथ, लक्ष्मीपति बालाजी बॉलिंग कोच, ठीक है, तो ये भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। देवदत्त पाडिकल और RCB से पाए गए देवदत्त पाडिकल। विराट कोहली की टीम RCB के ओपनर देवदत्त पाडिकल IPL के शुरू होने से पहले 22 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वो अपने घर में ही क्वारंटाइन हो गए थे। डैनियल सैम्स, एरिचिज नोतरजई, अक्षर पटेल, नीतीश राणा, किरण मोरे, ये सभी खिलाड़ी कोरोना की चपेट में हैं। तो इसे देखते हुए IPL 2021 को अभी स्थगित कर दिया है। इसके आयोजन होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि 15 तारीख से शायद ये मुकाबले जो हैं वो वहीं से शुरू हो जाएं जहां से स्थगित किए गए हैं, लेकिन ये संभावना है, लगता मुश्किल है।